session, or today we are doing our setup tour. So let's go. So this is my room. This one is my artwork, which was done by my mom. और यहाँ से है मेरा रूम एंट्रेंस, यू कैन सी, सीधा कर दो कैमरा. सो मेनली दिस टेम्पलेट कंटेंस टू मैसेजेस, डोंट क्विट, एंड अगेन इट कंटेंस टू इट, इट्स डू इट एंड डोंट क्विट. So this, after reading this, actually gives me some positive vibes for my video. So guys, अब भी हम जा रहे हैं हमारे main part की तरफ, which is our setup tour. So let's go. So let's undress this babe right here. So this is my all-in-one machine, HP laptop, and it has Intel Core i5 8th generation, and it contains graphic card of Nvidia, which is 970MX. मतलब इतना ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन चल जाता है काम. अगर मैं कोई भी गेम रिकॉर्ड कर रहा हूँ या फिर स्ट्रीम कर रहा हूँ, 720p तक काम चल जाता है, यू नो. एंड इफ यू कम हियर, दिस इज माई वायरलेस माउस. मेरे को तो याद भी नहीं है कौन सा ब्रांड है, आई थिंक सो इट्स टारगस. एंड इफ यू कैन सी गाइस, इट हैज ऑन एंड ऑफ बटन राइट हियर. इसे रख देते हैं आपके बाजू में. इसका मैं रिव्यू भी दूंगा एक शॉर्ट में. इट हैज दिस थिंग राइट हियर, सो ये कनेक्ट होता है. एक्चुअली मुझे मतलब वायर बहुत वायर से वो वाला सेट मुझे पसंद है नहीं है, और मैंने लैपटॉप भी क्यों लिया, मैं आपको अभी आगे बताऊंगा उसका रीज़न. और आप सोच रहे हो ये बुक क्या है, सो इस बुक में मैं अपना वीडियो का सीक्वेंस लिख के रखता हूँ. सो दिस इज़ अ रफ बुक टाइप ऑफ बुक, और इसमें मैं जो भी आपने वीडियोज़ देखी रहेगी मेरी, जो कि ऑडियो बेस्ड है और किसी इंफॉर्मेशन के ऊपर है, सो आई राइट द होल टाइमलाइन और फिर उसके ऊपर मैं वीडियोज़ बनाता हूँ. एंड दिस आर सम ऑफ माई बुक्स. मुझे रीडिंग बहुत पसंद है. ये मेरी पूरी ख़त्म हो चुकी है, ये भी मेरी पूरी ख़त्म हो चुकी है. ये मैंने स्वामीनारायण मंदिर में ली थी, वेरी गुड. एंड दिस वन इज़ लेट टेस्ट. अभी तक मेरे सिर्फ 3 पन्ने हुए, स्पेशली क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा है भाई कॉलेज की वजह से. एंड एक्चुअल मैं बुक्स इधर रखता नहीं हूँ, इट गोज़ इन टू दिस कबर्ड. लेकिन मैं आपको बताना चाहता था रीडिंग का इम्पोर्टेंस, बिकॉज रीडिंग कॉजेस योर ब्रेन टू थिंक, एंड ऑल्सो आपको नए नए वर्ड्स भी मालूम पड़ते हैं. प्लीज़ आप सच्ची बोल रहे हो, रीडिंग की अच्छी हैबिट डाल लीजिए, आपको बहुत आगे हेल्प करेगी. एंड आप सोच रहे होगे कि मैं माउस पैड क्यों नहीं यूज़ करता. नोटबुक की वजह से मेरा काम चल जाता है, आई डोंट थिंक मुझे माउस पैड की ज़रूरत है. तो सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ जुगाड़ू सेटअप, यू नो. मतलब मेरा सेटअप ठीक से 1 लाख तक भी नहीं जाता भाई, और मैं इसमें से वीडियो बनाता हूँ. सो लेट्स बूट दिस हियर, और मैं आपको आगे का बताता हूँ अभी. So now let's talk about some specification. So these are my specifications. Processor Intel Core i5 1.60 GHz, and RAM is 8 GB, and 64-bit operating system. Okay. So talking about, मैं आपको एक short review देना चाहता हूँ. मैंने laptop पहले से ही बहुत मतलब इतना भी भरा हुआ नहीं है, मतलब भरा हुआ था पहले, मैंने इसको खाली कर दिया था.
एंड नाउ इट्स रन वेरी स्मूथली, मतलब मुझे कोई भी प्रॉब्लम है मैं इसमें GTA 5 आराम से खेल सकता हूँ। तो ओनली थिंग इज़ दैट आपको हाई वाली गेम भी अगर कोई रहेगी सो इट कैन बी आल्सो यू नो सेटिंग्स के अनुसार आप उसको सेट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। बस आपको सेटिंग्स सेट करना आ गया भाई तो कौन सी भी गेम आप खेल सकते हो। इट हैज़ अ ग्राफिक कार्ड ऑफ 970MX ओके। और मैं आपको माउस का भी शॉर्ट रिव्यू दे देता हूँ। माउस इज़ रियली वेरी गुड, इट फिट्स इन माई हैंड, इज़ बिग, फिट्स इन माई हैंड, बहुत कंफर्टेबल है भाई। और ये माउस की प्राइस में अगर बोलूँ तो इट इज़ लाइक 550 रुपये का है, और मुझे लगता है भाई वैल्यू फॉर मनी है ये। मतलब ऑफिस माउस भी और गेमिंग माउस भी मैं इस पर ही, मतलब जो पबजी पीसी लाइट के जितने भी मॉन्टाजेस है मैंने इसमें इससे ही खेले हैं। एंड सो गाइस हम लोग होम स्क्रीन पे आ चुके हैं और ये मेरा सेल्फ मेड वॉलपेपर है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना आपको कैसा लगा ये। एंड आपको लग रहा होगा कि भाई कितनी बसड़ है, तो सच्ची में बहुत बसड़ है मेरे होम पेज पे, बिकॉज इट कंटेंस सम सॉफ्टवेयर जो मुझे कॉलेज में लगते हैं। आई एम अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट एंड ज़्यादा तो सॉफ्टवेयर उसके ही है। एंड टॉकिंग अबाउट द गेम्स, आई हैव Assassin's Creed Liberation जिसके अभी सीरीज और कंटिन्यू होने वाली है, जस्ट आई ऑलरेडी, और एपिक गेम्स लॉन्चर में बहुत सारे गेम्स हैं जो मुझे डाउनलोड करने पड़ गए वो लाइब्रेरी में आप भी फिलहाल दो। एंड इफ वी गो टू द गेम्स सेक्शन, ये देखो इसमें भी मेरे प्रोजेक्ट भरे हुए पाइथन वगैरह के। एंड हियर स्टीम इज देयर एंड अगेन जी फोर्स एक्सपीरियंस। अगर आपको नहीं पता होगा ये क्या है तो आप मुझे बता सकते हैं, आई विल टेल यू ऑल कि ये क्या है, और आपको एक पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो भी बना दूंगा इसके लिए। एंड हियर इज पबजी लाइट, स्टीम लैम्स, OBS, और अगर आप सोच रहे होगे कि मैं कौन सा रिकॉर्डर यूज़ करता हूँ, सो लेट मी टेल यू, आई यूज़ FBX गेम रिकॉर्डर। एंड टॉकिंग अबाउट द एडिटर विच आई यूज़, इट इज़ नोन एज डाविंची रिजॉल्व 16, और वो एडिटर मेरे बहन के लैपटॉप में है, बिकॉज ये लैपटॉप मुझे थोड़ा खाली रखना था फॉर्मेट करने के बाद भी। इट हैज सम 482 GB प्लस की स्पेस। एंड सो एंड मैं अभी लैपटॉप की प्राइस डिस्कस करूँगा, सो इट वॉज लाइक 67,000। लैपटॉप का नाम है HP Pavilion और मॉडल नंबर है 15cc 1290X अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। एंड रियली मैन, मतलब मैंने 5 महीने लगाए थे लैपटॉप लेने के लिए, बिकॉज आई वॉन्टेड लैपटॉप फॉर माई लॉन्ग टर्म यूसेज। और लैपटॉप का एक एडवांटेज ये है कि कॉलेज में भी लग रहा होगा तो आप ले जा सकते हैं, मतलब हैवी PC बिल्ड अगर कर लिया आपने, सो अगेन यू हैव टू बाय अनदर लैपटॉप, तो दो मशीन हो जाते हैं। दैट्स वाई आई रिकमेंड, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो काम चलाने के लिए अपना कोई भी लैपटॉप ले लो, सब इट इज़ रियली सफिशेंट। और एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब पबजी मोबाइल बहुत वायरल था मेरे पास ढंग का फ़ोन नहीं था खेलने के लिए, ढंग का मेरे पास फ़ोन नहीं था खेलने के लिए, दैट्स वाई आई यूज़ टू प्ले ऑन एम्यूलेटर, और मुझे उसमें से भी बैकलैश मिला था कि यार क्या खेल रहा है यार, एम्यूलेटर पे क्यों खेल रहे। बट आयरनी इज़ दैट डायनमो वगैरह भी खेल रहे थे, उनको कोई कुछ नहीं बोल रहा था उस वक्त। ओके सो लेट इट बी, ये अलग ही टॉपिक है। सो दिस इज़ FBX रिकॉर्डर, इसमें से मैं गेम रिकॉर्ड करता हूँ, बहुत ही सिंपल है और ये रिकॉर्ड करने के लिए, और बहुत बढ़िया यार सच्ची बहुत बढ़िया। सबसे बढ़िया बात मैं बताऊँ क्या है, इट इज़ फ्री, एब्सोल्युटली फ्री, कोई भी पैसा नहीं देना है आपको, और वाटरमार्क भी नहीं आता इसमें से। सो ये है इसका सेटिंग्स सेक्शन, सो दिस इज़ कैप्चर, सो दिस इज़ गेम मैक्सिमम रिकॉर्डिंग परफॉर्मेंस एंड फुल स्क्रीन। सो आप फुल स्क्रीन पर भी रिकॉर्ड कर सकते हो अगर कुछ और रिकॉर्ड कर रहे हो तो, और गेम भी रिकॉर्ड कर सकते हो। सो पहले सिर्फ गेम ही रिकॉर्ड करने का एक ऑप्शन था, फिर बाद में दिस इज़ वीडियो। ओके रिजोल्यूशन 800p, FPS 40, क्वालिटी इज़ हाई, ऑडियो, और मेरे पास कोई भी हेडफोन नहीं है, मैं इसमें से डायरेक्टली आपको, आप अगर मेरी वीडियो देखोगे तो आवाज़ थोड़ा कम आ रहा है उसमें से, लेकिन आगे से ये प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैं उसका जुगाड़ ढूंढ लिया है, मैं बहुत जुगाड़ हूँ। और माइक्रोफोन एनेबल करने से ये मेरे आवाज़ को ट्रेस कर रहे हैं कितने लेवल को जा रहा है, और नॉइस रिडक्शन का भी ऑप्शन है, अगर माइक्रोफोन नहीं चाहिए तो अनचेक कर दो। एंड टॉकिंग अबाउट डेस्कटॉप साउंड, इट ऑल्सो कैप्चर्स डेस्कटॉप साउंड्स एंड इट इज़ सेट टू डिफॉल्ट राइट नाउ, और स्ट्रीमिंग भी इधर से हो जाता है। तो स्ट्रीमिंग के लिए कौन से इसमें जो है सोशल मीडिया अकाउंट्स है, सो देख लो,
विच पर भी कर सकते हैं, यूट्यूब एंड कस्टम सर्वर भी बना सकते हैं अगर कौन सा अगर दूसरा उस पर आप अपने को मतलब स्ट्रीम करना होगा तो, और बिटरेट भी आप फिक्स कर सकते हो, सो -2500 kbps। ओके, और वेबकैम का भी ऑप्शन है, और मतलब ये लैपटॉप का ही वेबकैम रिकॉर्ड कर लेता है मतलब एनेबल करने के बाद, और दिस इज शॉर्टकट फॉर रिकॉर्डिंग Ctrl+P। सो Ctrl+P दबा दो और हो गया काम, रिकॉर्ड कर लिया, खेल लिया, ख़त्म। और फिर बाद में द वीडियो गोज इन टू एडिटिंग और फिर हो जाती है अपलोड, आपके सामने आ जाती है। थिंग अबाउट मैं थंबनेल किस पे बनाता हूँ, तो मैं थंबनेल canva.com एक फ्री वेबसाइट है उसमें से बनाता हूँ, मतलब बैकग्राउंड वगैरह रिमूव करके, और Adobe Illustrator और एक टूल है, मतलब मैं इतना अभी उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन आगे वाले जो थंबनेल आने वाले उस वो सब मैंने Adobe Illustrator में बनाया हुआ है। सो आगे जब वीडियो आएगी तो आप मुझे उसका भी रिव्यू दे देना कि थंबनेल कैसे बन रहे, मतलब ग्रेजुअली द क्वालिटी ऑफ द थंबनेल विल बी इंक्रीज्ड आफ्टर दैट। और टॉकिंग अबाउट द नेट स्पीड, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, द नेट स्पीड इज़ 2 Mbps एंड इट इज़ अनलिमिटेड, और 3 मंथ्स का मुझे एक साथ पेमेंट करना होता है नेट का, एंड इट इज़ 1300 rupees समथिंग, या तो काम चल जाता है। और लैपटॉप है इसकी वजह से, इधर ही मेरा चार्जिंग पोर्ट है, सो लैपटॉप है हमारा, दैट्स वाई इतना बिल का भी कोई झंझट नहीं रहता है, कॉस्ट इफेक्टिव है, घर वाले भी खुश, हम भी खुश, कोई टेंशन ही नहीं है, क्या बोलते हो। एंड नाउ तक 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 द मेन पार्ट इज हियर। सो गाइस वी हैव कंप्लीटेड 200+ सब्स, एंड सच में बोल रहा हूँ गाइस, रियली तुम लोगों की वजह से ये हुआ है, जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब किया हो या फिर मेरे वीडियोस को व्यूज़ भी दिए हो उनको मैं थैंक यू कहना चाहूँगा दिल से, बिकॉज अगर आप नहीं रहते तो ये 207 नंबर नहीं होता, एंड दिस इज़ प्योरली ऑर्गेनिक नंबर, कोई भी पेड हेड्स वगैरह लगा के नहीं, किसी का नाम लेके मैंने ये व्यूज़ नहीं लिए है। ऑल राइट, मतलब मुझे अभी भी मैं इतने व्यूज़ नहीं आते हैं, पर आई कीप ऑन ट्राइंग यू नो, एंड दिस इज़ पॉपुलर वीडियोज़ 29K 1 year ago, एंड इट इज़ सेकेंड पार्ट ऑफ इट, 2K व्यूज़ इट हैज़। और इस वीडियो के पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मतलब अभी मैं कैसे कहूँ आपको, चलो ठीक है बता ही देता हूँ। आई वॉज हैविंग वन फ्रेंड फ्रॉम हाई स्कूल यू नो, और वो मुझे बोलता था कि भाई क्या कर रहा है, तेरे से नहीं होगा, फुल डिमोटिवेट करता था मुझे, बट फिर भी मैंने एक काम चालू रखा अपना यू नो। इनिशियल स्टेज में मैं जो लैपटॉप के साथ जो बॉक्स मिलता है, मेरे पास ये टेबल भी नहीं था, सो इनिशियल फेज़ में लैपटॉप के बॉक्स के ऊपर मैंने रख के स्ट्रीम किया है, वीडियोज़ बनाए। मैं आपको बताता हूँ कौन से वीडियोज़ थे, वो बहुत पुराने थे वो। सो दिस वेर द इनिशियल स्टेज वीडियोज, और ये मैंने, मेरे पास तब माउस भी नहीं था गाइस, बिन माउस के खेलता था मैं ऐसे ये वीडियोज़। बाद में मैंने माउस लिया सेविंग्स करके खुद की, और अपलोडिंग चलती गई, प्रोग्रेस होता गया, मैं रुका नहीं यार। लेकिन और कितने भी टॉक्सिक लोग आने दो गाइस, एक बात याद रखना कि डोंट गिव अप। और लिटरली भाई वो मुझे बहुत गंदा डिमोटिवेट करता था, और मैं उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देता था, दैट्स वाई। और मुझे तब इतने एडिटिंग स्किल्स मेरे पास नहीं थे, आई वॉज एडिटिंग प्रीवियसली ऑन द यू नो वंडरशेयर फिल्मोरा, फिर बाद में मैं प्रीमियर प्रो यूज़ कर रहा था, अब भी मैं डाविंची रिजोल्व 16 यूज़ कर रहा हूँ। सो ये इतना खास एडिटेड वीडियो नहीं है, तो इसको उसने ट्रोल किया था, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट जिस वीडियो को उसने ट्रोल किया था वही अभी मोस्ट वॉच्ड वीडियो है। सो दिस इज़ माई रियली मेन पार्ट ऑफ द होल स्टोरी ऑफ द चैनल। सो अभी आगे मैं एक गेम सीरीज़ भी अपलोड कर रहा हूँ, और कुछ एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी है, गेम रिव्यूज़। मुझे सिर्फ और एक बात क्लियर करनी थी, मैं सिर्फ गेमिंग चैनल नहीं बना रहा हूँ, आई विल ट्राई टू बी मोर वर्सेटाइल, मतलब हर एक चीज़ करने की कोशिश करूँगा, मतलब एक गेमिंग गेमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही, अदर देन गेमिंग भी आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा कोई भी गेम्स हो। सो अगेन गाइस आई वॉन्टेड टू थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस गिफ्ट। मैं बहुत आई थिंक सो मैंने कब किया था चैनल क्रिएट, 2018 में किया था शायद से, हाँ 2018 में किया था, और किसी का भी सपोर्ट नहीं था, सब ट्रोल करते थे मुझे, बट
आज उनका पिछवाड़ा जल के राख हो गया है ये सिर्फ आपकी वजह से। सो ऐसे ही आगे भी मेरे हेटर्स का पिछवाड़ा राख करते रहो, वीडियोस लाइक करते रहो, और अगर अच्छी नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में बहुत ऑनेस्टली बता दिया करो, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आई डोंट वॉन्ट फ्री में सब्सक्राइबर्स, तो मैं हसल करने के लिए रेडी हूँ। एंड दैट्स ऑल राइट, थैंक यू फॉर 207 सब्स एंड इट्स साइनिंग ऑफ योर गाय गेमर नेशन, बाय।